हेलो बेटे, कैसे हैं आप लोग? तो बच्चे, आज मैं आपको सिखाऊंगी विसर्ग। क्या सिखाऊंगी? विसर्ग की मात्रा। ये बच्चे आपको पता है ये कौन सा स्वर होता है? इसको आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? और इसका मात्रा चिन्ह क्या होता है? ये टू डॉट्स। ठीक है, किसी भी व्यंजन के पीछे जो है या स्वर के पीछे, वर्ण के पीछे ये दो डॉट लगा दिए जाते हैं। ठीक है, ये दो डॉट, इनको हम क्या बोलते हैं? विसर्ग। और इसमें से बेटे जो है ह की आवाज आती है। कौन सी आवाज आती है इसमें से? ह की, जिसके ये पीछे लगता है वहां पे ये ह की साउंड देता है। बच्चे, इस मात्रा का जो है हिंदी में बहुत ही कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये मात्रा जो है ज्यादातर संस्कृत में ही यूज की जाती है। संस्कृत जो लैंग्वेज है ना, संस्कृत में होती है। हिंदी में बहुत कम इसका यूज होता है, मतलब ना के बराबर ही होता है। लेकिन मैं आपको ये मात्रा एक बार समझा रही हूँ, आप इसको ध्यान से इसकी साउंड समझिए। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें जैसे आपको मैंने बताया कि ह की साउंड आती है, जैसे त के पीछे हमने ये पीछे लगते हैं दोनों नोट। ठीक है, पीछे लगाया तो ये त से क्या बन गया? कौन सी साउंड आ गया इसकी? तह। ये मां के पीछे लगे मह, सर के पीछे विसर्ग की मात्रा लग के क्या बन गया? सर। और ख के पीछे जब विसर्ग की मात्रा लगी ये बन गया ख। ठीक है, तो इससे आगे बच्चे देखो हम शब्द कैसे बनाते हैं। ये देखो, जैसे ये है प्रा, पर के पैर में न है ना, पदेन की मात्रा प्रा ते, तो ये क्या बन जाएगा? प्रातः। प्रातः मतलब किसको बोलते हैं? प्रातः मतलब सुबह, मॉर्निंग होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रातः। ठीक है, प्रातः मतलब सुबह, मॉर्निंग। न मह, नमः, नमः मतलब नमस्ते, नमस्कार करते हो ना, है ना, गुरवे नमः, सूर्य देव को आप करते हो नमः, तो क्या नमः मतलब नमस्कार, है ना। ओम नमः शिवाय बोलते हो ना, मंत्र भी बोलते हैं, आप देखते हो मम्मा पापा करते होंगे, दादी दादू। ठीक है, तो नमः मतलब नमस्कार। पीछे कौन सी साउंड आनी शुरू होगी? ह की। और ये क्या है? अथ। क्या है ये? अथ, अथ, अथ मतलब इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट इज पुनः। पुनः मतलब दोबारा। ठीक है, अपना पाठ पुनः पुनः याद करो, मतलब दोबारा दोबारा याद करो। ठीक है, आगे देखो ये क्या है? शनि। शनि के क्या क्या मतलब होते हैं? शनि, ह की आवाज आ रही है ना, शनि मतलब धीरे। ठीक है, नेक्स्ट इज आधा स है, इसकी छोटी आवाज आएगी स्वतः। स्वतः मतलब अपने आप। ठीक है, अपना काम स्वतः करो, मतलब अपने आप करो। ठीक है बच्चे, इसके बहुत ज्यादा शब्द नहीं है, इसके काफी शब्द हैं, तो लेकिन एक बार आपने इनको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है और समझना है। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए मेरे साथ। प्रातः, नमः, अतः, पुनः, शनि, स्वतः। ठीक है, थैंक यू।